ग्राहक को एक सलाहकार मिल गया है। इसे खरीद लेना चाहिए। बिल्ली को लगता है वो बहुत होशियार है। ये कीमती है या नहीं? पागल हो क्या? इसमें पैसा ही पैसा। डर लग रहा है, बताओ ना क्या है ये। वाओ, अच्छी कमाई होगी। मैं तो शॉक्ड हूँ। कचिंग कचिंग कचिंग। ये बात। लड़की मार्क को सलाह दे रही है। ये खुद को समझता क्या है? संभल कर मार्क, महंगा ना पड़ जाए। ये है पैकेज बैटल्स। सांता क्लूज का खोई चीजों का ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन पर सौदे फायदेमंद होते हैं। सांता क्लूज एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मिलती है अनमोल चीजें। इस ऑप्शन में साइज मायने रखता है। मैं छोटी चीजों पर नजर रखूंगा, ज्वेलरी, बेशकीमती सामान, जो भी मेरे डबल बैग में समा जाए। हम यहाँ बजट बनाकर आए हैं, इसलिए हमें ऐसी चीजें चुननी होंगी जिनसे हम मुनाफा कमा सकें। यानी हमारी पसंदीदा चीजें नहीं, बल्कि जल्दी बिकने वाली चीजें। हाय, सांता क्लूज ऑक्शन में आपका स्वागत है। यहाँ शानदार माहौल है, तरह तरह के कलाकार और हिप्पीज रहते हैं और वो तरह तरह की अजीब चीजें जमा करते हैं। हेलो, बटरफील्ड डेट प्लीज। ओ बॉय, क्या पता कोई मैच्योर आदमी ने एक बार भी $395 में बेची थी। और तब से मुझे विंटेज डॉल्स काफी पसंद आती है। इस पर लिखा है 1962, डॉल्स का शुरुआती जमाना। अगर इसके अंदर सचमुच पुरानी डॉल है तो मैं इस एक बॉक्स से कम $1,000 कमा सकता हूँ। एक छोटे से बॉक्स में पूरी ज्वेलरी शॉप भरी। बॉक्स के लेबल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या हो सकता है? सचमुच ज्वेलरी शॉप लगती है। इसमें सोना मिल सकता है, पुरानी रिंग्स जिन्हें रिपेयर के लिए दिया होगा। पता नहीं, मुझे ज्वेलरी पसंद नहीं है, पर शायद मुझे इस पर दाम लगाना चाहिए। हम सब बॉक्स का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि वो कभी ज्वेलरी स्टोर का बॉक्स रहा हो, पर फिर उसमें मोजे रखे जाने लगे हो। भगवान करे इसमें ज्वेलरी ही हो। ये खोए हुए सामान का ऑक्शन है, इसका मतलब ये कि कीमतें कम होंगी और सौदा अच्छा हो जाएगा, खास तौर पर उन सील्ड बॉक्सेस का सौदा। ओ, ये तो भारी है। इसके अंदर कुछ हिल रहा है, लगता है इसमें कोई कीमती चीज है। इस पर लिखा है बेसमेंट बार। इसमें आटे की थैलियां तो नहीं हो सकती, आवाज आ रही है। इससे लगता है या तो ग्लास है या फिर ब्रॉन्ज। मैं इस बॉक्स पर $500 लगा सकता हूँ। इस पर लिखा है ये 1960 की फूलने वाली इन्फ्लेटेबल ड्रेस है, लकड़ी के ओरिजिनल बॉक्स में। ये असल में हवा भरने वाली ड्रेस फॉर्म है। पहले भी और आज भी ऐसे ड्रेस फॉर्म्स का इस्तेमाल कपड़े सिलने वाली महिलाएं करती हैं, लेकिन इसमें आपको फूंक कर हवा भरनी होगी। बहुत गिने चुने बचे होंगे। मुझे ये पसंद है, हमने इससे पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। हो सकता है कि ये कलेक्शन लाइफ चीज हो और इसके अच्छे पैसे मिल जाए। ओ वाओ, ये दो एंटीक खिलौनों का लॉट है और इनके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इनमें से कुछ तो हजारों में बिकते हैं, जबकि कुछ सिर्फ $50 में। लेकिन पता नहीं ये कितने में बिकेगा। एक दोस्त को फोन करके पता करता हूँ। इस शहर में मेरी एक दोस्त है ट्रेसी, जो पुराने खिलौने ही बेचती है। हाय मार्क। हे ट्रेसी, क्या हाल है? ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। मुझे खुशी है कि तुम मदद करने आई हो। ये रहे खिलौने। अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। मुझे हैरानी हो रही है इन खिलौनों को देखकर। खिलौनों के साथ बॉक्स भी है और वो भी अच्छी कंडीशन में। ये खिलौने काफी बड़े हैं। आजकल टिन के खिलौने तो देखने को भी नहीं मिलते। ये है रेड रिबन ग्रेहाउंड बस, जो कि जापान में बनी है। इस मार्क से ये बात पक्की हो रही है। इसके सारे पार्ट्स ओरिजिनल है। मुझे लगता है तुम्हें ये लेनी चाहिए। अगर अच्छी कीमत मिले तो मजा आ जाएगा। इस बॉक्स को बिना खोले ही मुझे पता चल गया है कि इसके अंदर है क्या। ये प्लेलैंड अम्यूजमेंट पार्क का खिलौना है। इसमें चाबी घुमाई जाती है और कार घूमने लगती है। अगर ये चल रहा है तो इसे खरीद लो। उम्मीद है कि अंदर का खिलौना भी बॉक्स की तरह अच्छी हालत में हो। ये बॉक्स ओरिजिनल है, काफी कीमती भी लग रहा है। ट्रेसी, इस पर मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ? तुम इस पर $800 तक खर्च कर सकते हो, शायद तुम्हारे पैसे दुगने हो जाएं। $800 एक खिलौने पर, इतना ज्यादा खर्च? इसे देखो हनी, क्या हो सकता है इसके अंदर? स्केटबोर्ड्स और हेलमेट्स। इसमें एक बोर्ड है और उसके ऊपर बिना व्हील वाला एक और बोर्ड है। कुछ स्केटबोर्ड्स काफी कीमती होते हैं। जब मैं छोटी थी तो स्केटबोर्ड करती थी, इसलिए मुझे पता है कि स्केटबोर्ड्स काफी महंगे होते हैं। अरे वाह, इस पर तो बडवाइजर का खूबसूरत साइन भी है। ये तो अच्छी हालत में है और इसमें बहुत सारे घोड़े हैं और साथ में है एक बडवाइजर वैगन। सारे आदमी यही सपना देखते हैं कि काश बियर से भरी एक वैगन उन्हें मिल जाए। ये एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा, इसलिए मैंने एक बेहतरीन सीट भी चुन ली है। बिल्ली काफी दिखावा कर रहा है, पर मानना पड़ेगा
वो उस सीट पर बढ़िया दिख रहा है। चलिए ऑक्शन की शुरुआत करते हैं पहले आइटम से। 1960 की इनक्रेडिबल ड्रेस से 110, 120, 130, 140 के लिए कोई सोल्ड $130 पर। अपस्टेयर्स क्लोजेट 160, 170 आपका हुआ। ज्वेलरी शॉप बकवास है ये बॉक्स होगा, मैं $50 लगाता हूँ। $50 आपको इस के लिए। हमें ये बॉक्स चाहिए। 200, 225, 250, 300, 300, 100। हमने ज्वेलरी शॉप बॉक्स खरीद लिया है, लेकिन ये सभी सील्ड बॉक्सेस हमारे अंदाजे से ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। बेसमेंट बार बॉक्स बिकने आ गया। मुझे उम्मीद है कि इसमें थोड़ी शराब निकलेगी और कुछ बार टैप, इसलिए मैंने फौरन बोली लगानी शुरू कर दी। बिल्ली ने उस पर बोली लगाई और मैं समझ गया कि काफी खींचतान होगी। 170, 180। हम इस बेसमेंट बार बॉक्स पर बिट करना चाहते थे, पर इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही थी। 200, 225। मुझे लगता है कि इसमें कुछ अच्छा निकलेगा। अगर मैं इस बार बॉक्स को नहीं खरीद पाया तो कीमत बढ़ा के ही छोड़ूंगा। मुझे वो बॉक्स चाहिए, वो बॉक्स चाहिए, वो बॉक्स चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा। वो तो ऐसे बैठा है मानो कोई राजा हो। एक प्लास्टिक का बॉक्स, इसमें ज्यादातर स्केटबोर्ड और स्केटबोर्ड डेक है। प्लास्टिक का एक बॉक्स आया जिसमें दो स्केटबोर्ड थे। मैं इसे $50 में खरीदना चाहूंगा। $90 के लिए कोई? क्या पागल हो गए हो? तुम्हारे हस्बैंड ने अभी बोली लगाई। 140, 150, 160, 170। नहीं, अगर ये कोई गराज सेल होती तो पूरा बॉक्स $20 में बिकता। 170, 180, 190। $200 मतलब क्या? 225। अब तो चाहे जितनी कीमत बढ़ जाए, ये बॉक्स मुझे चाहिए। 250 के ऊपर कोई? आपका हुआ। मैं पगला गया हूँ। वो स्केटबोर्ड एकदम बेकार है, $10 में इससे अच्छे मिल जाएंगे। जेसी एंड कंपनी 1950 का प्लेलैंड विद अम्यूजमेंट पार्क, साथ में है ओरिजिनल बॉक्स। दिन के खिलौनों की हमेशा से अच्छी कीमत मिलती है, और अगर माँ इन्हें 800 से $1000 तक में खरीदे तो मुनाफा हो सकता है। 110, 120, 130, 140। अब माँ की एक नई दोस्त आ गई है, उसकी एडवाइजर। मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि माँ मेरी चीजें खरीद रहा है। वो समझता क्या है खुद को? देखना मैं किस तरह उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, तबाह कर दूंगा उसे। मार्क को एंटीक्स के बारे में कुछ नहीं पता। वो किसी खूबसूरत पेंटिंग को भी वैसे देखता है जैसे कोई कार का बम्पर हो, एकदम ब्लैंक लुक देता है, कुछ इस तरह का। ट्रेसी ने कहा कि अगर मैं $800 में इन खिलौनों को खरीदूं तो मुझे मुनाफा होगा। एक लड़की मार्क को सलाह दे रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 500, 550, 600, 600, 600, 700 के लिए कोई? बेचो ना, बेच दो। उसकी लागत भी वापस आएगी और मुनाफा भी होगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। खिलौने इतने महंगे हैं, बस उसकी बात सही निकले। ये बॉक्स सन 1962 का है। अगर इसके अंदर की बारवीज भी उतनी ही पुरानी निकली तो मैं काफी मुनाफा कमा लूंगा। सच में ये 60s के जमाने का बारबी बॉक्स, इसमें विंटेज कपड़े, जूते, हैंडबैग, सब कुछ है। बारबी एक्सेसरीज उतने में ही बिकती जितने में लोगों के कपड़े। इसलिए भले ही ये बॉक्स छोटा दिख रहा है, पर इससे मुनाफा बड़ा हो सकता है। हनी, इन दोनों लड़कियों के साथ तुम क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। झूठे कहीं के, अपना सामान उठाओ और चलो निकलो यहाँ से। मुझे बारबी डॉल्स बहुत पसंद है, पर मैं गर्लिश नहीं हूँ। मैंने इस साइन के लिए $130 खर्च किए हैं। अगर इसकी लाइट्स जलते हैं तो आसानी से मुझे करीब $500 मिल जाएंगे। अगर लाइट्स ना जली तो इसे रिपेयर कराने में खर्च होगा और इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लीजिए, लाइट्स जल गई। कितना शानदार सौदा रहा, खिलौने खरीद कर मुनाफा कमा रहा हूँ अपनी दोस्त की सलाह पर। लेकिन आमतौर पर मैं इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता, पर आज मैंने कुछ खिलौने खरीदे हैं। पर मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बॉक्स पर जो लिखा है अंदर वही खिलौने हैं? क्या वो ठीक है? ये तो एकदम बढ़िया कंडीशन में है। देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ट्रेसी ने कहा था अगर ये चलेगा तो काफी कमाई हो सकती है। इसे संभाल कर हैंडल करना होगा क्योंकि अगर ये टूट गया तो काफी नुकसान हो जाएगा। मैं इन खिलौनों को एक एक्सपर्ट के पास ले जा रहा हूँ। मैं और ट्रेसी क्लियरवाटर बाजार जा रहे हैं, वहाँ मेरे दोस्त जोसेफ है। मैं ये पता लगाने आया हूँ कि क्या ये खिलौने उतने कीमती है जितने ट्रेसी ने कहा। ये तो मारुसान है, ये एक जापानीज कंपनी है। ये टॉयज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दिखाई दे रहा है कि किसी बच्चे ने इसके साथ खेला है।
आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पेंट खुरच गया है और यहाँ पर इसका कलर भी फीका हो गया है। थोड़ा सा डैमेज यहाँ है, बम्पर भी पिचक गया है। मुझे तो घबराहट हो रही है। ट्रेसी, तुम्हारी बात सही निकलनी चाहिए। मेरी बात गलत नहीं हो सकती क्योंकि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इसकी कीमत बाजार में तकरीबन $400 से $600 होगी। वाह, बस के लिए इतने पैसे काफी हैं। इतने में तो एक फुल साइज बस मिल जाएगी। ये तो मैंने चेक कर लिया, और क्या लाए हो? जे चाइन एंड कंपनी प्ले लैंड विप बॉक्स के साथ। बॉक्स की कंडीशन भी काफी अच्छी है। अकेला ये बॉक्स ही कम से कम $100 में बिकेगा। ऐसा लगता है कि ये खिलौना 1950 के जमाने का है। उस जमाने में सर्कस और प्ले ग्राउंड के लिए खिलौने बनाने में ये लोग माहिर थे। जैसे कि ये प्ले लैंड विप, उन्होंने फेरिस व्हील, सर्कस एनिमल्स वगैरह बनाए हैं। ये खिलौनों के लिए एक सुनहरा दौर था। ये खिलौना कहीं से टूटा नहीं है, बस किनारों पर थोड़ा सा पेंट उतरा है। और ट्रैक पर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर डिब्बे गुजरे होंगे। इसकी चाबी तो ओरिजिनल ही लग रही है। इसके सारे कैरेक्टर भी सही हालत में है। बस ये वाला थोड़ा सा ढीला है, पर इतना बुरा नहीं है। इनमें स्प्रिंग्स लगे हैं और ये एक बढ़िया पीस है। मैंने इसे काफी महंगा खरीदा है। अच्छा, बताइए ये कितने का होगा? अगर ये काम नहीं करेगा तो $200 से $400 मिलेंगे। सब कुछ इसके चलने पर डिपेंड करता है। $200? अब मुझे घबराहट हो रही है। देखो, अगर ये काम करता है तो इस कंडीशन में बॉक्स के साथ आपको मिल सकते हैं तकरीबन $2000 तक। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये काम करता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, अभी पता चल जाएगा कि ये सौदा बढ़िया है या बेकार। अगर ये खिलौना चलता है तो ये करीब $2000 में बिकेगा, लेकिन अगर ये खराब है तो सिर्फ $200 में। यानी ये मेरा अब तक का सबसे महंगा दांव साबित हो सकता है। अगर ये खिलौना चलता है तो ये करीब $2000 में बिकेगा, लेकिन अगर ये खराब है तो सिर्फ $200 में। यानी ये मेरा अब तक का सबसे महंगा दांव साबित हो सकता है। अच्छा हुआ इससे ये तो साबित हुआ कि आइंदा मार्क को मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इनकी सलाह सही रही। थैंक यू। अच्छा लगता है जब आप कुछ खरीदते हैं और फिर उसे दुगने दाम पर बेच पाते हैं। ये तो कमाल हो गया। मैं इस सौदे से बहुत खुश हूँ। इस ऑक्शन से तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई। इस ऑक्शन में हमने $650 खर्च किए हैं। पता नहीं इसमें कुछ फायदा हो पाएगा या नहीं। देखिए क्या है इसके अंदर। पहले ये बॉक्स देखते हैं। मुझे तो यकीन नहीं है कि जिस बॉक्स पर ज्वेलरी शॉप लिखा है उसके अंदर ज्वेलरी होगी। मुझे घबराहट हो रही है। बताओ क्या है इसमें। छोटी छोटी चेन्स का गुच्छा है। तरह तरह की गोल्ड चेन्स है। 14 कैरेट सोने की नेक चेन है। क्या ये मोती है? ये छोटा सा लॉकेट बढ़िया है। यानी कि हमारा अंदाजा एकदम सही निकला। क्लासी रिंग्स और ब्रेसलेट्स, लकी चार्म्स और दूसरी चीजें। इसका मतलब ये सचमुच सोने की ज्वेलरी का बॉक्स ही है। इस बॉक्स से $1000 से ज्यादा का मुनाफा जरूर होगा। सचमुच हनी, मैंने ऐसी चीज आज पहली बार देखी है। शायद इसे फुलाकर अपने बॉडी साइज पर लाते हैं। बढ़िया है ये तो। ये 100 साल पुराना है और अभी भी इसे फुला सकते हैं। $500 तो पक्के हैं। वो फूलने वाली गुड़िया। फूलने वाली गुड़िया नहीं है। इनकी नई गर्लफ्रेंड है, लव डॉल है। हमने प्लास्टिक का एक ग्रे बॉक्स भी खरीदा है, पर इसे हमने काफी महंगा खरीदा है। ये काफी मजबूत लग रहा। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा मनपसंद कलर। इस बॉक्स में तरह तरह की स्पोर्ट्स की चीजें भरी है। इस बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुनाफा कमाया जा सके। ये क्या है? ओ, ये तो टोनी हॉक का स्केटबोर्ड है। मैं जानती हूँ कि वो इतिहास के एक सबसे मशहूर स्केटबोर्डर है। इस पर लिखा है टोनी हॉक पावल पेरल्टा। इसका मतलब उसके शुरुआती बोर्ड। तो ये पुराना है, लेकिन किसी ने इसका इस्तेमाल किया है। ये यहाँ से घिस गया है और सामने वाला हिस्सा टूट भी गया है। पता नहीं इसकी कितनी कीमत मिल पाएगी। ये एक और बोर्ड है जिसे बनाया है सैंटा क्रूज स्केटबोर्ड कंपनी। तो इस पर किसी का नाम लिखा है, लुसेरो। वैसे मुझे नहीं पता ये कौन है, पर इस पर व्हील्स नहीं है। यानी किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। शायद ये ऐसे ही पड़ा होगा और इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। चलो, हमें सैंटा क्रूज में एक बड़ी अच्छी दुकान मिल गई है, स्केट बॉक्स। यहाँ मिस्टर जेसन है और वो इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये जो बोर्ड है, लगता है इसका कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। नाम लिखा है जॉन लुसेरो। वो स्केटबोर्डिंग की दुनिया का कोई मशहूर नाम नहीं है, मगर वो एक अच्छे स्केटर है। देखिए यहाँ पर धूप की वजह से रंग उतर गया। उन्होंने उसे देखा और बोला, इस पर एक दो खरोचे हैं और धूप की वजह से रंग भी उतरा है। मैं सोच रही थी कि ये बोर्ड इतना ज्यादा कीमती।
ही नहीं होगा। लेकिन ग्राफिक बहुत ही अच्छी हालत में है। बताइए कितने का होगा? इसकी कीमत होगी करीब $250। अच्छा? हमारी लागत तो वापस आ गई। हमारे पास एक और बोर्ड है जो थोड़ा सा पुराना है, घिस गया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये टोनी हॉक का बोर्ड है। आप देख सकते हैं कि उनका नाम इस पर लिखा हुआ है। और टोनी हॉक दुनिया के सबसे अच्छे स्केटबोर्डर हैं। इसी तरह का बोर्ड स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में उनके अपने कलेक्शन में है। क्या बात कर रही है? जी ऐसा बोर्ड? हाँ, ये वाला। ये ग्राफिक स्केटबोर्ड के सबसे मशहूर ग्राफिक्स में से एक है। इसे वर्नन कोर्टलैंड जॉनसन ने डिजाइन किया है। पहली बार सन 1983 में इसे बनाया गया। यहाँ इसका कॉपीराइट भी लिखा हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस बोर्ड की कंडीशन बहुत अच्छी है। और बोर्ड के ऊपर की तरफ गंदगी चिपकी हुई है, नोज गार्ड टूट गया है, इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। ये बोर्ड किसी भी तरह से कीमती नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कंडीशन भी इतनी खराब है और ये काफी गंदा भी हो चुका है। ये बोर्ड इस मौजूदा हालत में तो मेरे ख्याल से आपको इसके मिलने चाहिए कम से कम $1500। $1000 में मैंने क्या खरीदा है। अपस्टेयर्स क्लोज़ेट। उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ अच्छा मिल जाए। इंतजार किस बात का? ओह अच्छा, तो ये है होम इमरजेंसी किट। सभी को डक्ट टेप की जरूरत पड़ती है। लगता है इस बॉक्स से मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसमें मोजे हैं, एक जूता पड़ा है, कुछ सीडीज हैं। ये है बैकस्टब स्क्रब करने के लिए। वो अच्छा लग रहा है। इस बॉक्स में कोई कीमती चीज नहीं मिली। एक टूटी हुई एस्ट, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेसमेंट बार, इसे मैंने $400 में खरीदा है। वाह, इससे कुछ फायदा हो सकता है। वाइन, मैंने $400 में वाइन की 8 बॉटल खरीदी है। उम्मीद है कि ये बढ़िया होंगी। जोसेफ फेल्ट पिनो नोआ कैलिफोर्निया वाइन, अच्छी वाइन है, पर इसकी भी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। इटालियन वाइन 2007 की, इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, 1975। इससे फायदा हो सकता है। ये बोतल महंगी बिक सकती है, पर ये भी मुमकिन है कि इसके जरा भी दाम ना मिले, क्योंकि इसे ठीक से रखा नहीं गया था। मुझे नहीं पता कि वाइन की इन बॉटल्स के कितने दाम मिलेंगे, खासकर 1975 की व्हाइट वाइन के। इसलिए मैं अपने फ्रेंड रिचर्ड की मदद लूंगा, जो वाइन के बारे में सब जानते हैं। रिचर्ड, हे बिली, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, मैं कुछ दिखाने लाया हूँ। एक ऑक्शन में मुझे ये बॉटल्स मिली। देखते हैं काम के हैं कि नहीं। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। ये पीने लायक है, पर इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये कह रहे हैं कि वाइन ज्यादा महंगी नहीं बिकेगी, यानी $400 बेकार चले गए। ये बॉटल्स कितने में बिकेंगी? ये बिकेंगी करीब $25 से $35 में। तो $100 तो मिल जाएंगे। देखो, मुझे लगता है कि ये कुछ काम की चीज है। ये शायद एक कीमती वाइन लग रही है, ब्रुनेलो दे मोंटालचिनो। ये तकरीबन $75 की बिकेगी। ओह वाह, ये वाली तो मेरी फेवरेट है, शैटो दे बुकास्टर। आगे चलकर इसकी कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, पर फिलहाल ये बिकेगी $95 में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, वाइन की कीमत बढ़ती जा रही है। आहा, ये क्या है? शैटो दी किम 1975। ये एक सॉटरन वाइन है, ये मीठी होती है। सॉटरन जो बुडो के पास है? बिल्कुल सही। अच्छा, फ्रांस में वाइन बनाने वाली एक फेमस कंपनी। ओ, बॉटल सही हालत में है, पर इसमें नीचे की तरफ थोड़े टार्ट्रेट्स जमा है। टार्ट्रेट्स? वो क्या होता है? इसका मतलब बोतल ठंडी हो गई है। जब वाइन ठंडी हो जाती है तो आमतौर पर ये प्रेसिपिटेट बाहर आ जाता है। इसके अलावा इसमें सीपेज के सबूत भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब वाइन को गर्म किया गया है और ये सही नहीं है। अब उसे वाइन पर शक हो रहा है। उसका कहना है कि इसमें नाइट्रेट्स हैं और भी कमियां हैं। मुझे बस इतना जानना है कि इसके अच्छे दाम मिलेंगे या नहीं। लेकिन इस सबके बावजूद ये बहुत बढ़िया है और ये वाइन इन बाकी बोतलों से बहुत ज्यादा कीमती है। क्या बात है, इसके आपको $800 से $1000 तक मिल सकते हैं। क्या? मेरी तो लॉटरी लग गई। कमाल की चीज मिली है। $800 से $1000? हाँ, सांता क्रूज का खोई हुई चीजों का ऑक्शन। मैंने वहाँ मजे किए और साथ ही साथ मुनाफा भी कमाया। यस बिली, ये वाइन
भी कुछ कम नहीं। मार्क ने अपनी एक होशियार दोस्त की सलाह मानकर खरीदी विंटेज बार्बी डॉल्स और टिन के कुछ एंटीक टॉयज। बिली का सौदा भी घाटे का नहीं रहा। विंटेज वाइन खरीदकर उन्होंने थोड़ा मुनाफा तो कमा ही लिया। सैली और लॉरेंस को मिला टोनी हॉक का एक यादगार स्केटबोर्ड और उन्होंने कमाया कुल $2,570 का मुनाफा। मैंने एक बॉक्स खरीदा जिस पर ग्रैंडमा लिखा है और उसमें दादी माँ से जुड़ी काफी चीजें। ये उदास क्यों लग रही है? ज्वेलरी। बुद्धा, अरे ये कैसे मिल गया? वाह क्या हंसी है इसकी। हाँ तो दादी माँ और कोई कीमती चीजें नहीं छोड़ी क्या मेरे लिए? क्या कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगा ना?